आज के इस वीडियो में मैं शेयर मार्केट में NSE और BSE के कुछ बातों को बेसिक से टच करूंगा। हमें हमेशा NSE और BSE में एक ही शेयर की प्राइस में डिफरेंस क्यों दिखता है? अगर आपको NSE और BSE के बारे में डिटेल में जानना है तो आप ऊपर आई बटन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। जैसे मैं अभी अपनी ट्रेडिंग ऐप में IRCT के शेयर को देख रहा हूं, जिसकी BSE में मार्केट प्राइस 1927.75 है एंड उसी शेयर की प्राइस NSE में 1930.05 है और यहाँ लगभग 2 रुपए से भी ज्यादा का अंतर है और कहीं कहीं तो ये अंतर बहुत ही ज्यादा का होता है। तो BSE और NSE में प्राइस के डिफरेंस का पूरा खेल मार्केट फोर्स पर डिपेंड करता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मार्केट में 2 वेजिटेबल शॉप है और दोनों अपना सामान एक ही होलसेलर से खरीद कर लाते हैं और एक के दुकान पे बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है और एक शॉप में कम लोग आते हैं, तो क्या दोनों शॉप की सामान का प्राइस हमेशा सेम रहेगी? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो उसी तरह BSE और NSE दोनों अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है, जहां BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज का काम बस बायर और सेलर को एक जगह लाना है, जिससे वो दोनों अपने शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकें और हमें किसी भी प्लेटफॉर्म से शेयर खरीदते समय दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो BSE के कंपैरिजन में NSE पे ज्यादा लोग ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं, तो इसलिए NSE पे ट्रेडिंग का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होता है। तो यानी पूरा कॉन्सेप्ट बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का है। तो दोनों की अपनी अलग अलग मार्केट फोर्स है। तो बेसिकली BSE और NSE में अलग अलग डिमांड और सप्लाई होने की वजह से अलग अलग प्राइस होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।